बात है नवंबर 2006 की, जब क्रिकेट इतिहास का शायद सबसे शर्मनाक और दिल दहला देने वाला एक ऐसा वाक्या हुआ जिसे याद करके आज भी खून खौल उठता है। जिम्बाब्वे के ही एक खिलाड़ी ने अपने ही देश की क्रिकेट एकेडमी और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में आग लगा दी, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कौन था ये खिलाड़ी जिसने अपने ही देश में आग लगा आने वाली नई जनरेशन के क्रिकेटर्स के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए थे? दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार फनकार आए, टॉप के कप्तान आए, कुछ को लीजेंड तो कुछ को सुपरस्टार का टैग मिला, कुछ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बने तो कुछ फैन फेवरेट, वहीं कुछ अंडररेटेड शब्द की छाया में दबकर रह गए तो कुछ वेस्टेड टैलेंट्स बनकर। लेकिन कुछ खिलाड़ी इतने विचित्र थे जिनका करियर हमेशा विवादों में घिरा रहा, जो हमेशा ही अपनी कुछ अजीबो गरीब तो कभी शर्मनाक गतिविधियों के चलते खूब बदनाम हुए, खूब सुर्खियों में आए। ऐसे खिलाड़ी कहलाए वियर्ड क्रिकेटर्स, जिनकी हरकतों से पूरा क्रिकेट जगत बदनाम हुआ। नर टीवी पर हमने ऐसे ही कुछ सरफरे क्रिकेटर्स की एक नई सीरीज शुरू की है, वियर्ड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ल्यूक पुमर्स बैच के बारे में। वो एक ऐसे क्रिकेटर रहे जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू डायरेक्ट स्टेडियम से हुआ था। वो एपिसोड आपने ना देखा हो तो जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम वियर्ड क्रिकेटर्स की अपनी सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपसे रूबरू कराएंगे जिम्बाब्वे के एक ऐसे सरफरे खिलाड़ी मार्क वर्मुलेन से, उस चिराग से जिसने अपने ही घर में आग लगा दी, तो कभी फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट डाली जिसने उन पर आजीवन बैन लगा दिया, और क्रिकेट जगत में जिनकी काफी बदनामी हुई। जानेंगे इनके जीवन और उनके इस मूव के पीछे की कहानी और उनके ऐसा करने के मुख्य कारण के बारे में। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नर टीवी। मार्क वर्मे यूलेन का जन्म 2 मार्च 1979 को हरारे जिम्बाब्वे में हुआ, जो उस वक्त रोडेशिया हुआ करता था। वर्मे यूलेन को बचपन से ही क्रिकेट का काफी शौक था। उनकी अटैकिंग गेम और एक से बढ़कर एक शॉट्स की उनकी वो लाजवाब रेंज शुरू से ही सबको काफी आकर्षित करती, और जूनियर लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें जिम्बाब्वे की अंडर 19 टीम की कप्तानी करने का भी मौका मिला। कई वर्ष उनके कंसिस्टेंट खेल ने चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया, जिसकी बदौलत 2000 में उन्हें जिम्बाब्वे की सीनियर टीम में शामिल किया गया, और श्रीलंका के खिलाफ शारजाह मैच में उन्होंने अपना डेब्यू किया। डेब्यू से ही अपने अटैकिंग और एथलेटिक गेम से उन्होंने काफी इंप्रेस किया। बैकफुट पर उनका गेम शानदार था और उनके कट और पुल शॉट देखने लायक थे। साल 2002 में उन्हें गाय विटल की जगह टीम में शामिल किया गया, और पाकिस्तान के खिलाफ वर्मे यूलेन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भी बनाया, जहां 304 गेंदों पर 118 रनों की उनकी संयम भरी पारी ने सबको दर्शाया कि अटैकिंग के अलावा उनके पास पेशेंस वाली डिफेंसिव गेम भी है। उनका खेल तो अच्छा था और स्टाइल भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अनुकूल थी, लेकिन दिक्कत थी डिसिप्लिन की, अपनी मनमानी करना। ये सिलसिला स्कूली दिनों से शुरू हुआ था, जब LBW डिसीजन से नाखुश वर्मे यूलेन स्टंप्स लेकर ही चल दिए थे, जिसके बाद उनके स्कूल ने उन्हें स्कूल टीम से बैन कर दिया। 2003 विश्व कप में वर्मे यूलेन का नाम जिम्बाब्वे टीम में था, लेकिन टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ ट्रेवल करने की जो हिदायत थी उसे उन्होंने फॉलो नहीं किया, और परिणाम स्वरूप उन्हें वापस घर भेज दिया गया। लेकिन 20 जनवरी 2004, उस दिन उनके साथ एक ऐसा विनाशकारी हादसा हुआ जिसने न केवल एक खिलाड़ी बल्कि एक इंसान के तौर पर भी वर्मे यूलेन को तोड़कर रख दिया। जब ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच खेला जा रहा था, जब इरफान पठान की एक तीखी बाउंसर उनके हेलमेट के ग्रिल में बुरी तरह जा घुसी और मैदान पर वो बेहोश हो गए। चोट इतनी गहरी और दर्दनाक थी कि इससे वर्मे यूलेन को हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, और डॉक्टर ने यह तक कह दिया कि अगर दोबारा इसी जगह चोट लगी तो उनकी जान भी जा सकती है। इस चोट के बाद वे कभी उभर नहीं पाए और उनका मानसिक संतुलन काफी बिगड़ता चला गया, साथ ही उन्हें मिर्गी के दौड़े पड़ने लगे। इस बाउंसर के बाद वे टीम से ड्रॉप तो हुए ही, लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट में भी काफी हालत खराब हो गए। 2006 में काउंटी क्रिकेट के दौरान की एक दर्शक के साथ कुछ कहा सुनी और झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें एक साल के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया था। हालत उस वक्त और बदतर हो गए जब जिम्बाब्वे क्रिकेट में बढ़ रही करप्शन और पॉलिटिक्स से तंग आकर उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट अकेडमी और अपने ही बोर्ड के हेडक्वार्टर को आग लगा दी थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पर क्योंकि उनकी मानसिक हालत खराब थी, जिसके चलते 2008 में ये केस क्लियर रहा और उन्हें रिहा कर दिया गया। 2009 में वर्मे यूलेन ने एक साल के बैन के बाद क्रिकेट में वापसी की और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में शानदार 92 रन भी बनाए, लेकिन न जाने क्यों उन्हें फिर ड्रॉप कर दिया गया, जो कि उनका आखिरी टेस्ट भी साबित हुआ। वर्मे यूलेन ने गोल्फ में भी अपने हाथ आजमाए और इस खेल में अपना करियर बनाने के लिए साल 2011 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया। लेकिन सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। इंग्लैंड में लीग क्रिकेट के दौरान उन्होंने कुछ फैंस के ऊपर बॉल दे मारी थी, जब वह उनके साथ कुछ मजाक और छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें
इंग्लैंड ने लीग क्रिकेट से 10 साल का बैन लगा दिया। 2012 में उन्होंने फिर से क्रिकेट में वापसी की और एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला। उस वक्त जिम्बाब्वे बोर्ड इतना ज्यादा कंगाल था कि प्लेयर्स को होटल में ठहरने का प्रबंध तक करने के उनके पास पैसे नहीं थे। तब खिलाड़ियों को रेंट पर कुछ घरों में रखा गया जहां सोने के लिए बेड तक नहीं थे। इस दौरान वर्मा यूनियन डाइनिंग टेबल पर रात को सोते थे। बिना कोई फैसिलिटी और रिकॉग्निशन के बावजूद वे टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बने और स्टेटमेंट तक दे दिया था कि क्रिकेट फील्ड में मरने से भी नहीं डरते हैं। एक समय तो ऐसा लगा कि क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में उनका नाम आया, पर उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अपने डगमगाते करियर का बेड़ा गर्क तो खुद उन्होंने साल 2015 में किया जब एक फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने जिम्बाब्वे के ब्लैक क्रिकेटर्स की तुलना गोरिल्ले से कर दी। ये तो काफी भद्दी और गिरी हरकत थी जो कि किसी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं थी, जिसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे क्रिकेट ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से बैन कर दिया। वर्मा यूलैन ने अपने उतार चढ़ाव भरे बेहद कंट्रोवर्सियल करियर में 9 टेस्ट 43 ओडीआई ही खेले, जहां उनका औसत बेहद मामूली था और 25 से भी नीचे का था। जिम्बाब्वे क्रिकेट की हालत और घटिया राजनीति ने उन्हें काफी आघात पहुंचाया। माना कि उनका अजीबोगरीब हरकतें करना ठीक नहीं था, लेकिन जो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ ट्रीट किया वो भी ठीक नहीं था। अगर अपने गुस्से पर काबू और डिसिप्लिन रख सारा फोकस क्रिकेट पर लगाते तो आज कहीं ऊंचे मुकाम पर होते और उनके टैलेंट के साथ ही आंकड़े भी न्याय करते। तो ये थी कहानी क्रिकेट इतिहास के बेहद विवादित और अजीबोगरीब क्रिकेटर्स में से एक। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।